एक ऐसी लड़की जो पूरी तरह दिमाग से पैदल है, इसका नाम ली है। एक दिन ली इंटरव्यू के लिए ऑफिस जाती है। इसका बॉस इसे अजीब से क्वेश्चन पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होना चाहती हो। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका बॉस भी पागल ही है। एक दिन ली के बॉस उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो काम में बहुत गलतियां कर रही थी। अगले दिन ली का बॉस उसे ऑफिस बुलाता है और उसे टेबल पर झुकने को बोलता है और उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ दे मारता है, जिससे ली को मजा आता है। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। अगले दिन ली जानबूझकर काम में गलतियां करती है ताकि वो दोबारा मजे कर सके, परंतु ली के बॉस उसे कोई भाव नहीं देते। अब ली खुद ही अपने पिछवाड़े पर मारती है, परंतु उसे वो मजा नहीं आता। अगले दिन ली का बॉस उसे ऑफिस बुलाता है और उसे कपड़े निकालने को बोलता है। ली ऐसा ही करती है, परंतु ली का बॉस वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। ली अपने बॉस से प्यार करती थी और इस चक्कर में वो अपनी शादी से भागकर बॉस के पास जाती है। ली का बॉस उसे एक टेबल पर बैठने को बोलता है और वहाँ से भाग जाता है, परंतु ली 3 दिनों तक वहीं बैठी रहती है। फाइनली ली के बॉस उसे लेने आते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है।